फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका चैप्टर 8 द इंटरनेट पार्ट सेकंड में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के कुछ अदर पार्ट्स, अदर पॉइंट्स, जैसे किसमें नाम है वेब पेजेस, वेबसाइट्स, सर्च इंजन, हाइपरलिंक एंड यूआरएल। क्या होते हैं ये सभी टॉपिक्स, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। वेब पेज द इलेक्ट्रॉनिक पेजेस व्हिच कलेक्टिवली From the World Wide Web are known as web pages. Electronic pages जो कि कलेक्ट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर, इन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं। These pages contain text, graphics, audio, video and link to other pages. यह पेज में text, graphics, audio, video और other pages की लिंक होती है। The first page is called a home page. वेब पेज जो कि हमको www पर या किसी वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, इनके फर्स्ट पेज को हम होम पेज कहते हैं। इट कॉन्टेंट्स लिंक टू टेक यू टू अदर पेजेस, इनको अदर पेजेस के थ्रू या किसी लिंक के थ्रू आप अदर पेजेस कलेक्ट कर सकते हैं, अदर पेजेस से ज्वाइन हो सकते हैं। इट कॉन्टेंट लिंक टू टेक यू टू अदर पेजेस मीन्स किसी लिंक के थ्रू आप अदर पेजेस से कनेक्ट हो सकते हैं या अदर पेजेस तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेबसाइट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ सर्टेन टॉपिक। ये वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, पर्सन, प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन। वेबसाइट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अब वो इन्फॉर्मेशन किस बारे में हो सकती है, पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम पॉपुलर वेबसाइट इंक्लूड्स, यहाँ पे कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि yahoo.com, google.com, amazon.com एंड www.cbse.nic.in। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन। यू नीड सॉफ्टवेयर कॉल्ड सर्च इंजन टू सर्च द वेब फॉर इंफॉर्मेशन। आपको सर्च इंजन की आवश्यकता होती है वेब पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। अ सर्च इंजन इज अ टूल डिजाइन टू सर्च इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स यू हैव गिवन। सर्च इंजन एक ऐसा टूल है जिसको डिजाइन किया गया है जो कि आपके द्वारा दिए गए कीवर्ड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यू सर्च इंजन आर, यहाँ पर कुछ सर्च इंजन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि गूगल, याहू, MSN। इनको ओपन करने की वेबसाइट से www.google.com, www.yahoo.com, www.msn.com। तो ये आपके कुछ सर्च इंजन है जिस पर आप अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को प्रॉपर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरलिंक। Hyperlink. You can also jump from one web page to another by clicking on a hyperlink. आप एक web page से किसी other web page पर jump करके join हो सकते हैं, other web page पर पहुंच सकते हैं। A hyperlink may be a graphic or text that is linked to another web page. Hyperlink एक graphic या text है जो किसी other web page से linked होता है या आपको जोड़ता है। When you place your mouse pointer over a hyperlink, जैसे ही आप अपने माउस पॉइंटर को hyperlink पर रखते हैं, it turns into a hand pointer as shown. तो आपका जो pointer, mouse pointer है, वो एक hand pointer के रूप में शो होता है, like this, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। Note, a hyperlink text is generally underlined and shown in other colors. तो hyperlink का जो text रहेगा वो generally underlined रहेगा और other color से, किसी अलग color से आपको शो होगा। Next आता है uniform resource locator URL. Like human beings, each website has a unique address. मनुष्यों की तरह website का भी अपना एक अलग address होता है। The address of the website is called Uniform Resource Locator. और वेबसाइट के इस एड्रेस को हम Uniform Resource Locator कहते हैं, URL. The URL is used to locate the source of the file in the web. जो URL होता है वो अपने किसी पर्टिकुलर फाइल का एक
लोकेटर होता है जो कि जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर फाइल का सोर्स को लोकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द यू आर एल ऑफ नेशनल ज्योग्राफी इज, नेशनल ज्योग्राफी का यू आर एल है जो पर्टिकुलर फाइल को आप जो पर्टिकुलर सोर्स को लोकेट करेगा वो है http://www.nationalgeographic.com। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ यू आर एल आर http://www.lakshmipublications.com, http://www.google.com, http://cartoonnetworkindia.com। A URL can be typed without the word www for all HTTP site। ये वो यू आर एल जो होता है इसको टाइप किए बिना www बिना टाइप की हुई HTTP साइट आपको दिखाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स आपने आज के इस वीडियो में जाना कि वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, सर्च इंजन का यूज क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होती है, URL क्या होता है और इनका यूज क्या होता है। तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।